क्या बिग बॉस सीजन 16 में होने जा रही है इस पॉपुलर एक्टर कॉमेडियन की एंट्री? कौन है ये जिसको देखकर आप लोग डेफिनेटली खुश हो जाएंगे? चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस बड़े एक्टर और कॉमेडियन जिनको आपने कई सारी कॉमेडी करते देखा है, जी हाँ, हाल ही में जब कपिल शर्मा शो आया और उसमें ये नहीं आए तो फैंस ने बहुत सारे सवाल किए कि आप क्यों शो पर नहीं आ रहे हैं, हम आपको शो पर देखना चाहते हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे। जी हाँ, ये सारी बातें सामने आई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भाई शायद चांसेस हैं कि ये बिग बॉस में जा रहे हैं इसीलिए ये कॉमेडी शो पर यानी कि कपिल के शो पर नहीं आ रहे हैं। कुछ सालों पहले यानी बिग बॉस 13 में इनकी बहन भी शो पर आई थी, कुछ सालों पहले इनकी वाइफ भी शो पर आकर जा चुकी है। अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन कृष्णा अभिषेक की। जी हाँ, बिग बॉस का किस तरीके से हिस्सा बनने वाले हैं कृष्णा, चलिए आपको बताते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूस। एज आई सेड, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जी हाँ, कृष्णा अभिषेक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या कृष्णा एज अ गेस्ट शो पर आ रहे हैं, क्या कृष्णा अभिषेक शो पर एज अ वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं, क्या कृष्णा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, सच्चाई आखिर क्या है? मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है कि कृष्णा अभिषेक जो है वो इस शो पर ना ही गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं और ना ही वाइल्ड कार्ड के शो पर, बल्कि वो इस शो को होस्ट करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, बिग बॉस को नहीं, बिग बॉस तो होस्ट सिर्फ सलमान ही कर सकते हैं, बल्कि बिग बज को। बिग बॉस शो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिग बज, जो कि वूट सिलेक्ट पर आता है। वूट पर ये शो लाइव होता है। जब भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स इविक्ट होते हैं तो सबसे पहले घर से निकलते ही उन्हें बिग बॉस में अपना इंटरव्यू देना होता है। जी हाँ, बहुत पहले इस शो को प्रियांक शर्मा होस्ट किया करते थे, फिर बिनाफ्शा ने इसको कुछ वक्त होस्ट किया और अब ये शो कृष्णा अभिषेक होस्ट करने जा रहे हैं। जो भी कंटेस्टेंट्स घर के बाहर निकलेंगे उनसे कई तरह के सवाल जवाब, उनके साथ कई तरह की गेम्स खेलना, ये सारा कुछ कृष्णा का काम होगा। इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि कि इसीलिए शायद उन्होंने बिग बॉस बिग बॉस के इस रीजन के वजह से शायद उन्होंने डेफिनेटली शो जो है कपिल शो वो छोड़ दिया, वरना फैंस तो उन्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं हर जगह पर देखने के लिए। और अगर कृष्णा अभिषेक सच में शो के कंटेस्टेंट होते फिर तो वाकई चार चांद लग चुके होते। इस बारे में क्लोज सोर्सेस कहते हैं, कृष्णा अभिषेक जो होस्ट द न्यू शो बिग बॉस ऑन वूट, वेयर यू विल सी फॉर्मर कंटेस्टेंट्स एंड इविक्टेड कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस 16 गिविंग इंटरव्यूज, गिविंग देयर ओपिनियंस। उसी के साथ साथ द शो विल बी एयर्ड ऑन वूट एक्सक्लूसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October। जी हाँ, 9 अक्टूबर से ये शो यानी कि बिग बॉस जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स और एक्स कंटेस्टेंट्स अपनी राय देते और ओपिनियंस देते नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप कृष्णा अभिषेक के इस इन्वॉल्वमेंट पर, बताइएगा।